नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खांडवी, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन हमने 2 कटोरी लिया है, पानी, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी कटोरी दही। तड़के के लिए हमने लिया है राई 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच तिल्ली, नारियल किसा हुआ, हमने ताज़ा नारियल लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, करी पत्ते और तेल। तो आइए शुरू करते हैं हम खांडवी के लिए घोल बनाना। हमने बेसन लिया है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दही डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसे फेंट लेंगे। पानी इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है ताकि इसमें उल्टे ना रहें। हमने बेसन अच्छे से घोल लिया है, अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। हमने इसमें 2 कटोरी पानी मिलाया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें पानी भी अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसे गैस पर एक पैन में डाल देते हैं। हमने पैन गरम कर लिया है, अब हम इसमें बेसन का घोल डालेंगे। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, इसे गाढ़ा करेंगे हम। हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है। ये देखिए, ये गाढ़ा हो गया है, अब ये चम्मच से जल्दी से गिर भी नहीं रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल लगातार ही चलाना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम इसे थाली पर फैला लेंगे। हम इसे थाली पे इस तरीके से फैला लेते हैं, हमें इसे बिल्कुल पतला पतला फैलाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल पतला पतला फैला लिया है। इसी तरीके से हम बाकी की थालियों पे भी बचा हुआ बेसन फैला लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से प्लेट पर इसे लगा लिया है। अब हम इसे 2 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर इसे चाकू से काटकर इसे रोल बना लेंगे। ये देखिए, ठंडा हो गया है, अब ये हाथ में भी बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, तो अब हम इसमें कट लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इसे काट लेंगे और इसके रोल बना लेंगे हम। चाकू से थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर हम हाथों से इसका रोल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसका रोल बना के निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने रोल बना लिया इसका। इसे भी निकाल लेंगे हम, बाकी के भी इसी तरह से रोल बनाकर निकाल लेंगे। हमने सारे रोल तैयार कर लिए हैं, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने पैन गर्म होने रख दिया है, हम इसमें डालेंगे तेल। तेल हमने 2 चम्मच लिया है, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे।
तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई, तिल्ली, हरी मिर्च, करी पत्ते। हम गैस बंद कर देंगे। हमारा तड़का तैयार हो गया है, अब हम इसे खांडवी पर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ताज़ा नारियल जिसे हमने बारीक किस लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। खांडवी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।